हेलो एंड वेलकम टू 75th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डायग्नोस स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब आप सबको पता होगा कि कैनाल नैरो होती है, नर्व कंप्रेशन होता है उसकी वजह से, और लेग में पेन जाती है जिसको हम सैटिका बोलते हैं। अब स्टेनोसिस आपकी सबकी MRI में लिखा होता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस और फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। अब वो जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उनकी जो MRI की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से स्टेनोसिस होता है पर उनको सिम्टम्स नहीं होते। कईयों को MRI में स्टेनोसिस नहीं लिखा होता फिर उनको सिम्टम्स होते हैं। इसलिए जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इसको खुद से डायग्नोज कैसे किया जाए फिजिकली। वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट से आपको पता लग जाएगा कि हमें स्टेनोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको भी सैटिका हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, सबके लिए, डिस्क बल्ज के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टेनोसिस को डायग्नोस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें बताएगा कि हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज में जाना है कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज में जाना है। अब देखिए स्टेनोसिस होता क्या है। ये हमारा है वर्टिब्रा, वर्टिब्रल बॉडी, जैसे यहाँ पे हमारे डिस्क होती है, ये इस जगह पे ये डिस्क है। अब डिस्क जब निकलती है तो ये पड़ी है हमारी कैनाल, जिसमें जिसके अंदर हमारी नर्व्स होती हैं। अब कैनाल जब ये डिस्क मान लीजिए इस तरह निकलती है तो कैनाल के अंदर आ जाती है। अब कैनाल का ये हम डायामीटर लेते हैं पूरा, ये गोल वाला जो डायामीटर है इसके हम कोई मशीन्स का या कोई रेडियोलॉजिस्ट का फ़र्क होता है, तो किसी का 11 होता है, किसी का 12, किसी का 13, किसी का 14, तो इस तरह से ये डायामीटर माना जाता है। नॉर्मली इसको 15 mm टू 10 mm तक ठीक मान लिया जाता है। 10 mm से जब नीचे आता है इसका डायामीटर, AP कैनाल, ये इस तरह से AP कैनाल डायामीटर मेंशन करते हैं हम। तो जब हमारा डायामीटर कम होता है, कैनाल नैरो हो जाती है, उसमें पड़ी है नर्व जो है वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से सैटिका जाता है। तो कैनाल की नैरोइंग को बोलते हैं स्टेनोसिस। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है लंबर कैनाल यानी कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जो कि सेंट्रल कैनाल होती है, ये है सेंट्रल कैनाल। एक होता है फोरामिनल कैनाल, फोरामिनल कैनाल होता है यहाँ से जो साइड से निकल रहा है, जो नर्व्स निकलती हैं उसके अंदर दो वर्टिब्रा है, तो उसके अंदर जो जगह होती है साइड में निकलने के लिए उसको फोरामिनल कहते हैं, जो हमारी नर्व्स के लिए होती हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जब ये साइड से निकलती हैं और उसके अंदर जो कैनाल, जो फोरामेन होता है उसमें जब ये प्रेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। अब ये जो डायामीटर है, अब मान लीजिए ये जो डिस्क है, ये वाली डिस्क थी, ये आके अंदर को आ गई जब वो प्रोलैप्स हुआ इस तरह से। अब इसने क्या किया, जो जगह इतनी थी वो कम करके अब इसका डायामीटर हम यहाँ से मेंशन करेंगे। तो जब ये डायामीटर 10 से कम होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कैनाल के अंदर जो टाइटनेस है उसकी वजह से नर्व प्रेस हो रही है, उसी की वजह से सैटिका हो रहा है। ये तो था हमारा जो ऊपर से, इस तरह से ऊपर से लिया गया व्यू। अब यही व्यू अगर हम साइड से देखें तो साइड से ये डिस्क है और यहाँ पे होता है, यहाँ से हमारी जो नर्व निकलती है साइड से, तो ये होता है फोरामिनल। ये फोरामिनल कैनाल, जब ये मान लीजिए डिस्क आ गई यहाँ पे, यहाँ कई बार क्या होता है, ये फेसेट आर्थ्रोपैथी, फेसेट ज्वाइंट जो होते हैं उसकी वजह से भी जो कैनाल है, फोरामेन कैनाल है, वो टाइट हो जाती है, या किसी भी डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से कोई भी अगर हमारे प्रॉब्लम आ रही है तो फोरामेन जब प्रेस होता है तो वो क्या करता है, अगर लेफ्ट साइड का फोरामेन प्रेस हुआ तो लेफ्ट नर्व को प्रेस कर देगा, अगर राइट साइड का फोरामेन प्रेस होता है तो वो राइट नर्व को प्रेस करेगा। इसीलिए पेशेंट को राइट या लेफ्ट लेग में पेन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपरली कि हम स्टेनोसिस कहते हैं किसको है। दो तरह के होते हैं, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और फोरामेनल कैनाल स्टेनोसिस। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, वो डिटेल में बनाया हुआ है, वो जाके आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइन आउटलाइन तो देनी पड़नी थी ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें स्टेनोसिस के बारे में जानना जरूरी क्यों है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो जाके जरूर देख लेना। अब चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो हमें बताएगा बिना MRI के कि हमें स्टेनोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हमें बिना MRI के पता लगाना है कि पेशेंट को स्टेनोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि MRI में जो कई बार जो मेंशन करते हैं उसके ऑपोजिट सिम्टम पेशेंट को होते हैं। मान लीजिए उसका डायामीटर, वैसे भी हमने पेशेंट देखे हैं कैनाल डायामीटर 7 mm दिखा रहा है पर उसको रेडिएटिंग पेन ही नहीं है, चलने फिरने में उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये जो स्टेनोसिस है ये हुआ होगा, क्या पता उसको पहले हुआ हो जब उसने MRI करवाया, या जब MRI करवाया है तो उसका जो डिस्क है वो हील हो चुका है और उसके पास इतनी जगह काफ़ी है कि उसकी नर्व वहाँ पे आराम से रह सके और वो नर्व कंप्रेशन ना हो रहा हो। तो ये हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एरिया ऑफ पेन। अब आपने ये पता करना है कि जो पेशेंट है उसको पेन कहाँ पे है, सिर्फ बैक में है, पूरी लेग में जा रही है, या बैक और लेग दोनों में है।
अगर तो लेग में जा रही है तो कंप्रेशन ज़्यादा है, यानी कि सैटिका है और वहाँ पे नर्व कंप्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। अगर सिर्फ बैक में है तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी बेटर है, उसका स्टेनोसिस हुआ है पर उसने क्या किया है, हमारा जो बैक है उसमें सिर्फ लोकलाइज्ड बैक पेन है, लेग में नहीं जा रहा है, तो उसकी कंडीशन बेटर है। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रॉम हाउ मैनी डेज, मतलब पेन जो है वो कितनी देर से चल रहा है उसको, क्या उसका पेन क्रॉनिक है या एक्यूट है। क्रॉनिक और एक्यूट का मतलब है अगर तो अभी अभी हुआ है, कई बार क्या होता है ये जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये केनाल है और अपना ये वर्टिब्रा है और यहाँ से हमने ये देखा था ये केनाल है। अब डिस्क इतनी ज़ोर से उसी टाइम एक्यूट कंडीशन में भी इतनी ज़्यादा डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है कि वो केनाल के अंदर इस तरह से आ जाती है और ये एक्यूट कंडीशन में स्टेनोसिस कर देती है। तो अब इसमें क्या होता है, एक तो डिस्क बल जो है वो भी एक्यूट है, ऊपर से उसने स्टेनोसिस कर दिया है तो पेशेंट फंस जाता है क्योंकि एक्सटेंशन करेगा तो केनाल टाइट होती है, अगर फ्लेक्शन एक्सरसाइज करेगा तो डिस्क बाहर आने की खतरा होता है। तो इस कंडीशन एक ऐसी, यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी रोटेशन एक्सरसाइज हेल्प करती हैं। यार बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए जब तक एक्यूट स्लिप डिस्क के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ ना हो जाए। ये केस हमेशा यंग पेशेंट्स में होता है, अभी बहुत ज़्यादा सीवियर जब डिस्क बल्ज होता है तब होता है, उसको खड़े होने में रेडिएटिंग पेन होता है लेग में। अब उसको ये देखना है कि सबसे पहले हमें स्लिप डिस्क के जो एक्यूट सिम्टम्स हैं जब वो ख़त्म होंगे फिर हम स्टेनोसिस की तरफ जाएंगे। अब फ्रॉम हाउ मेनी डेज का मतलब है कि क्रॉनिक कंडीशन, जब ये पुराना हो चुका है केस फिर भी पेशेंट की लेग में और उसके स्टैंडिंग करने में या वॉकिंग करने में उसकी टांग में पेन जा रहा है और केनाल डायमीटर भी उसका कम हो रहा है, तो ये पक्का हो जाता है कि ये क्रॉनिक केस है, उसके स्लिप डिस्क के एक्यूट सिम्टम्स ख़त्म है। अब इसमें हमने करना होता है फ्लेक्शन एक्सरसाइज, क्योंकि ये क्या कर रहेगा, एक्सटेंशन करवाने से पेशेंट को पेन बढ़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। थर्ड आता है हमने चेक करना है उसका पेन सिटिंग में बढ़ रहा है, स्टैंडिंग में बढ़ रहा है या वॉकिंग में बढ़ रहा है। अगर स्टेनोसिस होगा तो सिटिंग में उसको रिलीफ मिलेगा, स्टैंडिंग और वॉकिंग में उसको पेन आएगा। जब मान लीजिए उसको 10-15 मिनट हो जाएंगे खड़े हुए या चलते हुए तो उसकी पैर जो है पैरों में नमनेस शुरू हो जाएगी, सैटिका का पेन आएगा, काफ भारी होना शुरू हो जाएगा, पैर भारी होना शुरू हो जाएगा, उसको नमनेस टिंगलिंग की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब जो बैठेगा थोड़ी सी बैठने से स्पाइन फ्लेक्शन में जाएगी तो उसका पेन रिलीफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फ्लेक्शन में गए हैं तो केनाल के लिए थोड़ी सी जगह बन जाती है। तो इस तरह से सेकेंड हमने करना है मूवमेंट चेक, मूवमेंट करनी है कैसे, टेस्ट करना है, उसको फॉरवर्ड बेंडिंग करवा के देखना है, उसके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं तो अच्छी बात है, जब एक्सटेंशन कर रहे हैं पीछे को जा रहे हैं इस तरह से उसको देखना है, कम से कम एक मिनट खड़े होकर देखे, कई बार इतना स्टेनोसिस होता है सीवियर वो 5 सेकंड भी इस तरह से नहीं रह सकता, तो हमने एक मिनट तक देखना है। अगर वो एक मिनट के बीच बीच में कहना शुरू करते हैं कि मेरी टांग में पेन जा रहा है, बैक मेरी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्शन, तो समझ लीजिए उसको स्टेनोसिस हो रहा है, उसकी जो केनाल है वो टाइट हो रही है। अब सबसे मेन चीज़ ये तो हो गया सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस चेक करने का प्रोसीजर। अब किसी को फोरामिनल केनाल होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया और वो कह रहा है मुझे राइट लेग में पेन जा रहा है, तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन विद राइट साइड बेंडिंग इस तरह से, मतलब उस फोरामिनल पे और जोर डाल के देखिए, इस तरह से प्रेशर डाल के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि उसका राइट फोरामिन भी प्रेस हो रहा है। अब सेकेंड आता है जब उस जगह पेन पॉजिटिव आ गया, उसको हम पॉजिटिव तब बोलेंगे जब हम वही चीज़ एक्सटेंशन किया और उसके बाद साइड बेंड किया लेफ्ट साइड पे, इससे उसको पेन रिलीफ होना चाहिए। ये जो हमने ये ध्यान रखना है कि अगर हमने एक्सटेंशन करके राइट साइड में पेन आ रहा था उसको प्रेस कर दिया तो उसका पेन आएगा। इसी तरह से जब पीछे गए और लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमने राइट को खोल दिया है तो पेन रिलीफ होना चाहिए उसका। इस तरह से हमने देखना, अगर सेंट्रल केनाल हुआ तो एक्सटेंशन करते ही पेन आ जाएगा। तो ये मूवमेंट चेक जो है ये बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट एक और होता है टेस्ट, इसमें क्या होता है, हमने फ्लेक्शन के साथ मान लीजिए उसको राइट साइड एक्सटेंशन और राइट साइड बेंडिंग में पेन आ गया था, अब हमने क्या करना है, फ्लेक्शन और लेफ्ट साइड बेंडिंग, इससे केनाल जो है और ओपन हो जाती है, फोरामिनल केनाल और जगह बन जाती है, तो इसमें पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ होगा। ये मूवमेंट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप फिर से बता रहा हूँ, MRI हमेशा सच नहीं बोलती, सच बोलती है पर आपकी एक्यूट प्रेजेंट कंडीशन नहीं समझाते, तो इसलिए हमें फिजिकली भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मूवमेंट चेक हो गया, नेक्स्ट आएगा
नेगेटिव और पॉजिटिव SLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, जो कि हम स्लिप डिस्क एक्यूट होने में करते ही करते हैं। जब पेशेंट का टांग उठाया 50-60 degrees तक उसके पहले पहले जो पेन है वो अगर आ गया, बीच में मतलब 20-50 degrees में उसका पेन आ जाता होता है अगर एक्यूट स्लिप डिस्क हुआ, तो हमने वही कंडीशन लेनी है कि उसको स्लिप डिस्क एक्यूट है और उसका जो स्टेनोसिस है वो एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है, तो अभी तक कुछ भी करना है, रुक जाना है, उसको प्रॉपर रेस्ट पे रखना है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है SLR, इसका मतलब जो पेन है वो जो क्रॉनिक हो चुका है केस, उसके बाद हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि हाउ टू डायग्नोस स्टेनोसिस, स्टेनोसिस के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने ज़रूरी हैं, और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेनोसिस होता है डायग्नोस करना। क्यों? क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज पर जाना है या एक्सटेंशन एक्सरसाइज पर जाना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा क्या क्या करना है, और कईयों को कन्फ्यूजन होनी है तो ये वीडियो दोबारा दोबारा देखिए। और जो स्टेनोसिस का एक वीडियो विद एक्सरसाइज मैंने बनाया हुआ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके आप जरूर देखिए। और ये स्टेनोसिस जो है, अब आपको काफ़ी लोग इतने सारे मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी मिल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो क्वेश्चन पूछते हैं स्टेनोसिस, ऐसे ऐसे मेडिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनको कुछ समझ आ रहा है और वो अपनी कंडीशन को बारे में समझते हैं और उसका इलाज भी खुद से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करेंगे आपके शेयर करने से लोगों और लोगों को भी पता लगने लगता है कि इसने मुझे भेजा है और मुझे केयर करता है और इसकी वजह से मुझे भी नॉलेज हो गई है इस प्रॉब्लम के बारे में। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसे छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जब कंसल्टेशंस होती हैं तो हम एक एक को इतनी जल्दी अटेंड नहीं कर सकते, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, तो हमें यहाँ पे आपका कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो इस पे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए, और वेटिंग के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। और इस तरह से ये आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए सब प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे इंस्टाग्राम, और हमारा भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और इंस्टाग्राम जो पेज है और फेसबुक पेज है उसको लाइक और शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।